हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिंगल और आप सभी हैं अपने चैनल पर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग विद रिंगल जैन। और गुड मॉर्निंग, और आप सभी कैसे हो ये मुझे कमेंट में बताना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं जानती हूँ आप मेरे फ्रेंड हो तो आप हमेशा अच्छे ही रहने वाले हो। तो गाइज, मैं आज ब्लॉग सॉरी आपने ऐसे के टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा कि मैं आपको किस बारे में ये वीडियो बना रही हूँ, बट मेरे स्वीट से सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था आप थोड़ा फास्ट बोलती हो, थोड़ा स्लो बोलना। तो वो अगर ये मेरी वीडियो देख रहे तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने इस वीडियो में किस तरह से बात की है। आपके सजेशन मेरे लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो तो मैं उसको इम्प्रूव कर पाती हूँ। और गाइज, एक और बोलना था मुझे, कुछ लोग ये मेरे से बोल रहे हैं कि आप न्यू कंटेंट लाइए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, तो मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, आपकी ये विश पूरी करूंगी। इसी तरह से मेरे एक स्वीट सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे बोला था दी आप एक होममेड लिप बाम बनाइए, तो मैं उनकी एक आज विश पूरी कर रही हूँ। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो भी मैं धीरे धीरे पूरी करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड लिप बाम, जिसके लिए मुझे किस किस इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। होममेड लिप बाम बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है, सबसे फर्स्ट आता है हम लोगों के पास इस तरह का कुछ आपको चाहिए बर्तन, जिस तरह का किसी भी तरह का हो, एक कटोरी भी या बाउल भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें मेल्ट करेंगे, इस वजह से हमें ये चाहिएगा। दूसरा चाहिएगा हमें वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जो कि हमारे ओठों को स्मूथ बनाएगी और हमारे जो फाइन लाइंस वगैरह हैं ओठों पर वो भी कम करेगी। तो हमें वैसलीन पेट्रोलियम जेली चाहिए, ये ओनली 5 रुपीज़ के, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये ओनली 5 रुपीज़ की है और इसमें से हमारा ऑलरेडी बन जाएगा लिप बाम। ये लिप बाम आपके ओठों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपके फाइन लाइंस खत्म करेगा, ओठों को सॉफ्ट रखेगा, पूरे डे सॉफ्ट रखेगा। इसको मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगी कि कैसा कलर देगा। तो सेकंड इंग्रेडिएंट्स हमारा अपने वैसलीन, थर्ड इंग्रेडिएंट्स है कोई भी एक एम्प्टी बाउल ले लीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें बनाई हुई थी लिप बाम, देखिए आपको कलर दिख रहा होगा, आप एम्प्टी बाउल ले लीजिए जिसमें हमको ये फिल करनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पर चाहिए हम लोगों को विटामिन ई के कैप्सूल, यहाँ पर मैंने इवॉन के कैप्सूल लिए हुए हैं, आप कोई सी भी कंपनी के ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो इवॉन कंपनी के लिए हैं वो है 400 mg के, और तो ये मैंने एक ही यूज़ करूँगी, अगर आपको 200 mg का है तो आप दो यूज़ कर सकते हैं। तो विटामिन ई हमारे स्किन का एक तरह का फूड होता है, जिस तरह के हमारे को खाने की ज़रूरत होती है इसी तरह से हमारे शरीर को भी विटामिन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये हमारे ओठों को सॉफ्ट रखेगा, मॉइस्चर रखेगा, फाइन लाइंस नहीं आने देगा और जो ओठ फटने की प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट चाहिए हमें कोई भी बची हुई आपके पास लिपस्टिक हो, या फिर आप इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं चुकंदर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी कलर देता है। तो मैंने यहाँ पर ली है लिपस्टिक, जो कि बहुत थोड़ी सी रह गई है, ये इतनी काफ़ी है मेरे लिए, और इस क्योंकि ये अभी यूज़ भी नहीं हो पाएगी तो फिर ये मैं इसका लिप बम बना लूँगी। आप इस तरह से जो बची हुई लिपस्टिक होती है आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं, आप रीयूज़ हो जाती हैं। मैंने ली है यहाँ पर एक मैच स्टिक, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैच स्टिक का यहाँ पर क्या काम है, तो मैं इसकी हेल्प से जो अंदर लिपस्टिक फंसी हुई है उसको निकालूंगी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा हो तो आप चाकू की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को ये इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए हैं, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो ब्लॉग मेरे कैसे लग रहे हैं और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मैं वो भी पूरी करूंगी। तो गाइज, अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, हम लोग इसमें निकाल लेंगे वैसलीन, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इसमें मैं वैसलीन निकालने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं वैसलीन को, जितनी भी आपको लिप बाम बनानी है आप उतनी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर चम्मच की हेल्प से, चम्मच का जो पीछे का कॉर्नर होता है उससे निकाल रही हूँ। आप जितनी भी आपको लिप बाम बनानी हो आप उतनी ही निकालें वैसलीन, अदरवाइज अगर अब यूज़ ज़्यादा, मैं थोड़ी ही बनाऊँगी क्योंकि ये मैं बार बार बना लेती हूँ और काफ़ी दिन मेरी चल जाती है, ये थोड़ी सी काफ़ी चल जाती है। आपको लगभग 2.5 रुपये में आपकी ये वैसलीन बनने वाली है, तो इससे अच्छी बात क्या होती है। तो अब मैं इसको
थोड़ी सी गैस पे रखूंगी मेल्ट होने के लिए। मैं गैस को बिल्कुल डिम कर दूंगी, डिम, और इसको ऊपर से मैं इस तरह से करूंगी क्योंकि जल्दी मेल्ट हो जाती है। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये जल जाएगी या लग जाएगी उसके नीचे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है इस वजह से। तो मैं इस तरह से इसको चला भी दूंगी इसकी हेल्प से, जिससे मैंने वो निकाली थी। आप इसमें डबल बॉयलिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गैस का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर कैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए। मैं यहाँ पर डबल बॉयलिंग प्रोसेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है और इसमें काफ़ी लगी हुई रह गई थी तो मैं उसको निकाल रही हूँ। और आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस तरह का यूज़ करा है। अगर मैं गैस पर रख दूँगी तो ये जल जाएगी। तो देखिए ये मेल्ट हो चुकी है, अभी मैं इसको बंद कर दूँगी। और मैं इसको बंद करने के बाद इसमें डालने वाली हूँ जो मैंने बची हुई लिपस्टिक थी, उसको मैं डालने वाली हूँ इसमें। मैंने आपको बताया था मैं माचिस की हेल्प लेने वाली हूँ। तो देखिए मैं इसमें, आपको जितनी भी रेडनेस चाहिए उतनी ही आप डाल सकते हैं, काफ़ी हार्ड हो रही है लिपस्टिक। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर इसको इसमें अंदर डाल लिया है इसकी हेल्प से। देखिए सारी मैंने वो जितनी भी थी उसमें ज़्यादा नहीं थी तो मेरी वो यूज़ भी हो जाएगी, और इसको मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें विटामिन ई। मैंने आपको पहले दिखाया तो देखिए पूरी मैंने खाली कर दी है, आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आपके जो बची हुई लिपस्टिक्स वगैरह होती हैं वो आपकी यूज़ भी हो जाती हैं, और जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही उसी क्वालिटी में आप निकालिए वैसलीन, अदरवाइज़ आप नहीं निकालिए। मैंने देखिए इसमें आधी वैसलीन जो यूज़ करा है और मेरे हाथ रेड हो गए हैं, हैंड जो खींचना वो रेड हो गए हैं। तो देखिए मैंने इसमें आधी ही वैसलीन का यूज़ करा है और मैंने बाकी नहीं यूज़ करा है क्योंकि ये मेरी नॉर्मली, वैसे जो लोग नॉर्मली वाइट वाली यूज़ करते हैं उसके काम आ जाएगी। तो अब मैं डालने वाली हूँ इसमें विटामिन ई के कैप्सूल। मैंने इसमें विटामिन ई जैसे कि आपको बता दिया, अगर आपके पास 200 mg है तो आप इसको एक यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास 200 है तो आप दो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास है ये 400 का तो मैं यहाँ पर एक यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको पिन की हेल्प से इसमें एक होल कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। ये होममेड लिप बाम बहुत अच्छी होती है और मैं आपको ये लगाकर भी दिखाऊंगी कि ये एकदम, अगर आप और डार्क कलर चाहते हैं तो इसमें और लिपस्टिक ऐड कर सकती हैं, या फिर इसमें चुकंदर, अगर आप बिल्कुल प्योर चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें हम बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे बटर भी काफ़ी फ़ायदा करता है, जिसकी हेल्प से आपके जो टैंस वगैरह होते हैं, ओट काले होते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो मैं गैस को बिल्कुल डिम, जिस तरह से मैंने इसको मेल्ट करा था मैं उस तरह से चला कर लूँगी, और इसको मैं फिर से वैसे ही करूँगी क्योंकि ये वैसलीन तो हार्ड होने लगी थी। इसकी हेल्प से मैं चम्मच की हेल्प से मैं वापस से इसे मेल्ट कर लूँगी। देखिए पूरी मेल्ट हो गई है, ज़्यादा आपको मेल्ट नहीं करनी है, अदरवाइज़ पूरी मेल्ट हो गई है। और ज़्यादा मेल्ट करेंगी आप तो फिर आपके लिए थोड़ी सी ये जल जाएगी। तो देखिए ये मेल्ट हो चुकी है पूरी, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास ऑलरेडी बाउल है, तो देखिए मैं इस बाउल में कर ले रही हूँ उसको। तो देखिए मैंने इसमें इसको कर लिया, ये गर्म है काफ़ी, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो अब मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी 3 घंटे के लिए और मैं आपको मिलूंगी 3 घंटे बाद और इसको दिखाऊंगी आपको। मैंने इसको बंद कर दिया है और मैं इसको रखने वाली हूँ फ्रीज में, तो मैं मिलूंगी आपसे 3 घंटे बाद जब ये पूरी फ्रीज हो जाएगी और मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, इसका डेमो करूंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे जब ये फ्रीज हो जाती है। तो गाइस फाइनली अभी हो चुके हैं 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने लिप बाम बनाई थी वो किस तरह का कलर आया है और वो किस तरह का शेड दे रही है। तो गाइस मैं आपको अभी हैंड पे स्क्वॉच करके दिखाऊंगी, बट नेक्स्ट टाइम या कल मैं आप लोगों को वो लिप पर लगा कर भी दिखाऊंगी। बट तो आज मैं आप लोगों को हैंड पर स्क्वॉच करके दिखाऊंगी उसका, तो थोड़ा सा
और मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसको रखा था फ्रिज में, और आप भी फ्रिज में, सॉरी फ्रीजर में रखिएगा ताकि वो जल्दी से फ्रीज हो जाए। तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप फ्रिज में, फ्रीजर में रख सकते हैं सिर्फ एक घंटे के लिए, और आपको अगर थोड़ी चलिएगा 2-3 घंटे का टाइम है तो आप फ्रिज में रख दीजिए तो वो ऑलरेडी फ्रीज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं उसका कलर किस तरह का आया है और वो किस तरह का आपके वो स्किन पर किस तरह का कलर देगी, तो फिर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने इसमें रखा था, आप लोगों को दिखाया था, तो देखिए ये इसका कलर है, कितना प्यारा कलर आया है, बहुत सुंदर कलर आया है। तो देखिए, और मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको हैंड पर लगा के। तो गाइस देखिए कितना प्यारी लिप बाम बनी है, शायद आप मार्केट से भी इतना प्यारा कलर देखिए, शाइन भी इसकी कितनी प्यारी है, इसका कलर भी कितना प्यारा है। तो गाइस अगर आपको और डार्क कलर चाहिए तो आप इसमें और लिपस्टिक ऐड कर सकती हैं, इसमें क्रेयॉन भी आप ऐड कर सकती हैं, आप इसमें आई शेडो भी ऐड कर सकती हैं, जो भी कलर की आपको लिप बाम बनानी है उसमें आई शेडो थोड़ा सा डाल दीजिए। और तो देखिए कितना प्यारा लिप बाम आई है, देखिए आप इसे और भी कर देंगे जितना भी, तो देखिए मतलब कलर में कोई भी फर्क नहीं आ रहा, लिप बाम में कोई भी फर्क नहीं आया देखिए। तो अब इसे हम ओट पे लगा सकते हैं, और ये हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, और कॉलेज गर्ल्स के लिए तो इतनी अच्छी बेस्ट है ये, आप लोग कॉलेज गर्ल्स हैं तो आप जरूर ट्राई करिएगा। और आप अगर आपको ये मेरी लिप बाम, होममेड लिप बाम अच्छी लगी है, और आपको मेरी वीडियोस ब्लॉग अच्छे लगते हैं, और आप मेरे से कोई और भी होम रेमेडी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि वीडियो के नीचे रेड कलर का आ रहा होगा, और अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में जस्ट बेल आइकन आ जाएगा, आप उसे दबा देंगे तो आपको मेरी वीडियो की जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि जो सब्सक्राइब का बटन है वो एकदम एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके बगल में जो बेल बटन आ रहा होगा टिली लिली वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, आई लव यू।